दौरान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने श्रीराम की अयोध्या मंदिर में लगी प्रतिमा का जिक्र किया और कहा कि हमने पढ़ा है राम सांवले रंग के थे, लेकिन आपने तो प्रतिमा में काला बना दिया प्रतिमा को, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अग्रवाल ने कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की खातिर ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे हैं बना अच्छी बात, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है, अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना है। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं नहीं आपने करा कि इसकी तारीफ तो करी नहीं, कल उस पर गए ना, तो कुछ चीजें हैं। अब जैसे श्री राम मंदिर का बनने का लिया आपने, कल को वहां मस्जिद बनेगी, सीताराम पे मैं सियाराम बोलता हूँ, हाँ जय सियाराम और राम राम बोलता हूँ। तो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में, ठीक है वोटों की खातिर आप सब कुछ करिए, लेकिन टिप्पणी करी क्या राम श्री राम पे? मुझे भगवान राम को पहले भगवान से टिप्पणी कर रहे हैं आप, चाहे राम बोलने का कोई मान्य बात सबके सामने आए सब कैसी बात है, तभी तो आए थे सबके सामने। श्री राम की बात कर रहे हैं, कल सियाराम और पता नहीं क्या क्या आप कह रहे थे, तो सियाराम के नाम से सीताराम के सीएम राम जी के नाम से सियाराम ने कैसा हुआ ये इस प्रकार की सियाराम सियाराम से ये आप सियाराम राजकुमार माता जानकी का नाम लेने में अपमान समझते हैं? नहीं बताइए आप।